12 को यूज़ करते हुए मेरे को एक साल से ज़्यादा हो चुका है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस पर्टिकुलर फ़ोन के बारे में, क्या आपको ये फ़ोन 2023 में ख़रीदना चाहिए या फिर स्किप कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में कोई भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ यूजेज के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। तो सबसे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो हाथ में आप जब इस फोन को पकड़ोगे तो सबसे पहली चीज जो आप रियलाइज करोगे वो ये है कि ये फोन बहुत ही लाइट है। एंड ऑफकोर्स आईफोन 11 के कंपैरिजन में तो आपको काफी लाइट लगेगा आईफोन 12। तो लोग जब आईफोन 12 को हाथ में पकड़ते हैं तो उनको लगता है इतना लाइट है उसका मतलब उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं होगी आईफोन 12 में। इतना ही नहीं, इस फोन को आप वन हैंडेडली यूज भी कर सकते हो क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो 6.1 इंच का है, तो बहुत कंफर्टेबल फील होगा जब आप इस फोन को यूज करोगे। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट साइज है, कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं है एंड कुछ ज्यादा छोटा भी नहीं है, तो ओवरऑल काफी क्यूट लगेगा हाथ में। बेजल्स की भी बात करें तो आईफोन 11 के कंपैरिजन में काफी छोटे बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब आईफोन 12 में आपको जो फ्रेम मिलता है वो मिलता है एल्यूमिनियम का, ना कि SS का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो बॉडी है काफी स्टर्डी है। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आपके आईफोन को आपको गिरा देना है। अब इसके बैक साइड आपको ग्लास देखने को मिलता है एंड फ्रंट साइड आपको सेरेमिक शील्ड का ड्रॉप प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया इसका मतलब ये नहीं कि आपके आईफोन को आप कहीं गिरा दो। तो ये फोन स्ट्रॉन्ग जरूर है लेकिन आखिर में ग्लास ही है। अब आईफोन 12 में आपको जो कैमरा का सेटअप मिलता है वैसा स्ट्रेट मिलता है, जबकि आईफोन 13 में आपको डायगनल सेटअप मिलता है। अब पर्सनली अगर मेरे को पूछो तो मेरे को डायगनल सेटअप इतना पसंद नहीं, मेरे को स्ट्रेट सेटअप ज्यादा पसंद है। अब कुछ लोगों को डायगनल सेटअप पसंद आएगा लेकिन एक कंप्लीटली पर्सनल चॉइस है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। ब्राइटनेस की बात करें तो 625 nits ब्राइटनेस एंड पीक ब्राइटनेस की बात करें तो वो है 1200 nits। तो बाहर अगर आपके आईफोन 12 को आप यूज कर रहे होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। फ्लिकरिंग एंड बर्निंग का इशू जरूर है इस पर्टिकुलर फोन में, लेकिन इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट सेटिंग्स में जाके कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। लेकिन पर्सनली मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल यूज के लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉच के बारे में। तो आईफोन 13 में आपको छोटी नॉच देखने को जरूर मिलती है लेकिन थोड़ी सी थिकर होती है। ऑफ कोर्स इसकी नॉच आपको थोड़ी सी बड़ी लगेगी लेकिन डे टू डे यूज में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सिंपल भाषा में अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बता दूं आपको तो डीपर ब्लैक्स आपको देखने को मिलेंगे एंड व्यूइंग एंगल्स भी इसके बहुत ही अच्छे हैं। एंड प्लस इस फोन में आपको 5G कैपेबिलिटी भी मिल जाती है, 17 5G बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे आईफोन 12 में। स्पीकर भी इसका काफी बढ़िया है। ऑफ कोर्स जो लेटेस्ट आईफोन है उतना अच्छा स्पीकर नहीं है लेकिन इतना बुरा स्पीकर भी नहीं है। तो कोई भी मूवी देख रहे होंगे या फिर कोई भी म्यूजिक सुन रहे होंगे तो इसके स्पीकर में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, इस फोन में आपको IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस आईफोन को वाटर में आप डाल दो क्योंकि फिर एप्पल भी आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। नेटवर्क की बात करें तो मेरे को आज तक इसमें कोई भी कंप्लेन देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट आईफोन 11 से भी बेटर है आईफोन 12 का नेटवर्क। एंड अगर सिम की बात करें तो इसमें आपको डुअल सिम भी देखने को मिल जाता है, एक फिजिकल सिम एंड एक eSIM। अब बात कर लेते सबके चहेते टॉपिक के बारे में, दैट इज इसकी कैमरास। तो वीडियो निकालते वक्त स्टेबलाइजेशन इसका बहुत ही अच्छा है, नाइट मोड भी आपको मिल जाता है एंड नाइट मोड कैपेबिलिटी यूज करके जब पिक्चर्स आप निकालोगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगी। एंड ऑफकोर्स 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप इसमें कर सकते हो। सिर्फ एक चीज है, दैट इज इसमें आपको लाइडर सेंसर देखने को नहीं मिलता है जो आपको प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेगा। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है बहुत ही यूजफुल है, स्पेशली अगर आप ग्रुप पिक्चर्स लेना चाहते हो तो अल्ट्रा वाइड लेंस आपको जरूर यूज करना चाहिए इस फोन का। सेल्फी कैमरा से भी मेरे को कोई भी कंप्लेन नहीं इस पर्टिकुलर फोन में, एज वेल एज सेल्फी कैमरा में आप वाइड पिक्चर्स भी ले सकते हो। दैट इज अगर आपको बहुत सारे लोगों का एक साथ सेल्फी पिक्चर लेना है तो वो आप इसकी कैमरा से ले सकते हो बड़ी आसानी से। अब आईफोन 13 में आपको तीन ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो आपको आईफोन 12 में नहीं देखने को मिलती है। एक है सिनेमैटिक मोड, दूसरा है फोटोग्राफिक स्टाइल्स एंड तीसरा HDR आप 60fps पे कर सकते हो, इसमें आप 30fps पे कर सकते हो। लेकिन मेरी अगर मानो तो तीनों ही चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
अगर सिनेमैटिक मोड एंड फोटोग्राफिक स्टाइल्स की बात करें तो ये दोनों चीज आप थर्ड पार्टी ऐप के जरिए अचीव कर सकते हो। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, नया आईफोन आप जब खरीदोगे तब सिनेमैटिक मोड यूज करोगे, ये फीचर यूज करोगे, वो फीचर यूज करोगे, लेकिन जैसे जैसे वो फोन पुराना हो जाएगा ये सब एक्सक्लूसिव जो फीचर्स आप यूज भी नहीं करोगे। एंड एचडीआर की बात करें तो एचडीआर है 30 FPS सफिशियंट है आपके लिए। सो फाइनली इसकी कैमरा से कोई भी पिक्चर्स या फिर वीडियोस आप लोगे तो काफी शार्प क्वालिटी मिलेगी, डिटेल्ड पिक्चर्स एंड वीडियोस मिलेंगे, प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड होंगे, कलर्स नेचुरल लगेंगे एंड डायनामिक रेंज भी इसका काफी अच्छा है। ऑफ कोर्स अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो फिर आपको प्रो मॉडल के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन बेस मॉडल नॉर्मल यूजेज के लिए परफेक्ट है। अब बात कर लेते इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो मेरे को कोई भी लैग देखने को नहीं मिला एंड ना ही मेरा फोन कभी हैंग हुआ है। तो इसमें ऑफ कोर्स आपको 4GB रैम देखने को मिलता है जो काफी कम लगेगा आपको, लेकिन एप्पल की रैम मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि 4GB रैम में भी आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और वैसे भी A14 चिप एंड A15 चिप में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। गेमिंग की बात करें तो आपको कोई भी हीटिंग महसूस नहीं होगी, स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगा एंड कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब बैटरी की बात करें तो iPhone 12 में मेरा काफी नॉर्मल यूज है, तो पूरा दिन मेरी बैटरी चल भी जाती है एंड उसके बाद 30-50% बैटरी बच भी जाती है। अब जब नया यह फोन था तब मेरा 40-50% बचता था, अब जैसे जैसे पुराना होता जा रहा है तो भी मेरा 30-50% बैटरी बच जाती है एंड पूरा दिन चल जाता है नॉर्मल यूजेज में। ऑफ कोर्स मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करता हूँ इस फोन को चार्ज करने के लिए, अगर आप भी वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगी यहाँ पे उस वीडियो की, जिसको आपको जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत ही हैवी टास्क करते हो आपके आईफोन 12 में तो फिर आपको इतना अच्छा बैटरी बैकअप देखने को ना मिले। अब OS अपडेट की बात करें तो आप लोग जानते हो कि 5 से 6 साल तक एप्पल OS अपडेट्स देता है। अब आईफोन 10 इतना पुराना हो चुका है, आज भी मेरे को अपडेट मिल रहा है, iOS 16 में यूज कर रहा हूँ मेरे iPhone 10 में। अब बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में, तो करंटली Amazon पे iPhone 12 64GB बिक रहा है 47,500 में, ऑफ कोर्स विदाउट बैंक ऑफर्स। एंड अगर iPhone 13 की बात करें तो वो Flipkart पे बिक रहा है 60,000 में फॉर 128GB एंड अगेन विदाउट बैंक ऑफर्स। लेकिन Flipkart से अगर आप खरीदोगे iPhone 13 तो आपको कंपलसरी एक एड ऑन भी करना पड़ेगा, जिसके वजह से उस फोन का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली आज के तारीख में 10,000 से लेके 13,000 का डिफरेंस है iPhone 12 एंड iPhone 13 में, तो एक काफी बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस अगर आपको बचाना है तो फिर आप iPhone 12 कंसिडर कर सकते हो। ऑफ कोर्स रिसेंटली सेल में इन दोनों फोन्स के प्राइसेस काफी कम हो गए थे, लेकिन कितने लोगों को एक्चुअली इतना सस्ता आईफोन मिला था, स्पेशली अगर iPhone 13 की बात करें। सो फाइनली iPhone 12 या तो आप Amazon से खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हो, या फिर iPhone 12 आप सेकंड हैंड भी खरीद सकते हो। अब मुझे पर्सनली अगर आप पूछो तो iPhone 12 का जो राइट प्राइस है वो 41,000 से लेके 43,000 के बीच में, तो अगर आपको इस प्राइस रेंज के बीच में iPhone 12 मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया प्राइस है एंड वैल्यू फॉर मनी फोन होगा। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे, तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे कर सकते हो तो आप iPhone 13 के लिए जाइए, लेकिन iPhone 12 परचेज करने के बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे। iPhone 12 एंड iPhone 13 में कुछ माइनर चेंजेस जरूर है लेकिन मेजर चेंजेस नहीं है, तो अगर आप वो पैसा बचाना चाहते हो तो iPhone 12 आप सर्टनली खरीद सकते हो, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। अब पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि साल में ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें आपको iPhone आइडियली खरीदने चाहिए, तो आइए इस वीडियो में एक और चीज रिवील कर देता हूँ, दैट इज हर आईफोन का एक स्वीट स्पॉट या फिर एक स्वीट टाइमिंग होता है। तो कोई भी आईफोन जब 2 साल पुराना हो जाता है वो उसका परफेक्ट टाइमिंग होता है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, 2 reasons है। रीजन नंबर 1, 2 साल के बाद उसका प्राइस काफी गिर गया होता है, ऑफकोर्स 1 साल के बाद भी गिरता है लेकिन 2 साल के बाद और भी ज्यादा गिर जाता है। एंड सेकेंड रीजन कि 2 साल पुराना आईफोन इतना पुराना भी नहीं है, अभी भी काफी लेटेस्ट है। सो 2 साल पुराना फोन सस्ता भी होगा एज वेल एज आपको सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, इतना आउटडेटेड अभी भी नहीं हुआ होगा वो फोन। तो आज के तारीख में अगर बात करें तो ऑफकोर्स iPhone 13 1 साल पुराना है, सस्ता हुआ है, लेकिन iPhone 12 तो और भी ज्यादा सस्ता हो गया है। तो iPhone 12 आइडियली आपको इस टाइम में खरीदना चाहिए। अब ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में बिंदास लिखिए। लेकिन उसके पहले वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल पे पहली बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो, पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑलवेज इन टेक इन हिंदी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।